बेटा हम रिवीजन कर रहे हैं और अभी हमने चैप्टर नंबर 3rd और चैप्टर नंबर 4th जो है वो रिवीजन में कंप्लीट किया है। बहुत सारे क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए हैं। आज मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो चैप्टर नंबर 3rd और चैप्टर नंबर 4 पे बेस्ड हैं। तो यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस का मुझे आंसर देना है। नहीं दे पाओगे आंसर तो मैं यहाँ पे सॉल्व भी करके बताऊँगा कि इनमें क्या डाउट है जो आपके मन में है, तो वो क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स तो व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो उसके क्या ऑर्डर्स होंगे। 4 हमें पता है, 1 8 8 1 2 4 एंड 4 2, इस टाइप के आप जो हैं ऑर्डर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशंस दी हैं, एक इक्वेशन ये दी है, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 इक्वेशन दी हैं और ये इनकंसिस्टेंट है, तो आपने वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। तो इनकंसिस्टेंट से व्हाट डू यू मीन बाई इनकंसिस्टेंट। यस, जब हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है अगर वो 0 है देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो हमने सिंपली क्या करना है कि इन जो मेरे पास इक्वेशंस है इनको आपने कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर उनका डिटरमिनेंट लेना, 0 के इक्वल पुट कर दें और वहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए एक्स का यह कोएफिशिएंट 1 है, वाई का 2 है और जेड का -3। सेकेंड केस में एक्स 0 है, वाई 0 है और के +3, और थर्ड में एक्स का जो कोएफिशिएंट है 2k+1 है, वाई आपका 0 और जेड 1, और आप इसे पुट कर सकते हैं इक्वल टू 0। तो जस्ट आपने इसे सॉल्व करना है। तो हमें पता है सॉल्व करने के लिए जिसमें मैक्सिमम 0 होंगे उसी रो या उसी कॉलम को आप एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड रो जो है, और ये आपके पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 0 आ गए, तो आप इसे लिख सकते हैं k+3, और यहाँ पे ये और ये गया तो ये 1 0 1 किससे होगा, 0 से, माइनस 2 into 2k+1 और ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, कारण है कि ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम है, तो 2 + 3 5 दैट इज़ -1 की पावर 5, माइनस आ जाएगा। तो वैसे इस माइनस का कोई रोल नहीं जब 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे k+3, मेरे पास यहाँ पे k+3 है और यहाँ पे ये बन गया मेरे पास, इसे अगर आप -2 आप यह रहने दे, और 2k+1 इज इक्वल टू 0, और ये 0 नहीं हो सकता, तो ये दोनों 0 के बराबर, k+3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -3 और सिमिलरली k -1/2। तो हमारे पास जो है कौन सा आंसर है, हाँ जी, ए है, बी है कि सी है या डी है। ए में -3 है, बी में 1/2 है, तो हमारे पास कौन सा आंसर है, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd लेते हैं, फॉर एनी स्क्वेयर मैट्रिक्स, हमारे पास स्क्वेयर मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, ए एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है, तो कहता है कि पूछ रहा है वो कि ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज क्या ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या स्क्यू सिमेट्रिक है या एक डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ जी, तो बी को कुछ पूछे गए ना, बी, तो आपने बी कैसे कर लिया, क्या आपने ऐसे इमेजिनेशन लगाया या कुछ आपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है। अगर देखिए आप बोल रहे सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो सिमेट्री मैट्रिक्स में होता है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, अगर इसका ट्रांसपोज सेम आपके पास मैट्रिक्स आ जाती है तो ये एक सिमेट्री मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज में रिवर्स होता है, आपको याद होगा, तो जब एक मैट्रिक्स को अगेन हम ट्रांसपोज कर दें तो वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए ए टी, उसका ट्रांसपोज जो है वो सेम है, सो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट देखें जी, फॉर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हैं ए एंड बी, तो बताएं कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा। ये हमारे पास फार्मूला है, रिजल्ट है हमारे पास कि ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, तो वी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, कहता मैट्रिक्स प्रोडक्ट है, दो मैट्रिक्स हैं बेटा ए और बी, और उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स है। अगर ये ज़ीरो मैट्रिक्स है तो बताना इसमें से कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई है, जहाँ पे ज़ीरो है। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कि नल मैट्रिक्स, ए एक नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स होता है जिस ज़ीरो मैट्रिक्स, तो ज़ीरो मैट्रिक्स होगा तो बी फिर नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हमने जब मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने ये डिस्कस किया था, हमने रियल में पढ़ा कि अगर दो रियल नंबर्स उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है तो हमारे पास कंडीशन होती है कि ए ज़ीरो या बी ज़ीरो या फिर बेटा ए और बी दोनों ज़ीरो होंगे, ये कंडीशन है रियल नंबर्स में। पर हम काम कर रहे हैं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर ए नॉन ज़ीरो है और बी भी नॉन ज़ीरो है तब भी इनका जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होगा, और हमने एक एग्ज़ाम्पल लेके ये क्वेश्चन किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स ज़ीरो होना ही ज़रूरी है, कि मान लो ए मैट्रिक्स ज़ीरो है बी मैट्रिक्स ज़ीरो है तभी इनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा, ऐसा नहीं है। नॉन ज़ीरो जो मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट जो है वो भी ज़ीरो हो सकता है, इसलिए इसमें से कोई कंडीशन नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट देखें, अगर सिंपल क्वेश्चन है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आई और 2x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ज़ीरो यहाँ पे ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो बताएं x और y की वैल्यू, सॉल्व करके बताएं, देखते हैं आपके पास a आंसर आ b है कि c है कि d है, क्योंकि 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी को आप चलो ऐसे भी रहने दे सकते हैं हम, और 2x माइनस y इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आपने बताना है कि x कितना है y कितना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y। जी ए बी सी डी चार ऑप्शन हैं यहाँ पे, हाँ जी कौन सा आंसर है, ए बी सी या डी, तो सुनेहा कह रही है कि ए, और इट्स ए करेक्ट और नॉट, नहीं है, इसका आंसर आएगा आपका सी। देखो कैसे, इसे टू से कर दे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखें 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आई, ध्यान से देखें 4x माइनस 2y इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स, तो ये कैंसल, 7x दिस इज आई मैट्रिक्स नॉट वन, तो x कितना आ गया, आई मैट्रिक्स अपॉन 7, मतलब 1 अपॉन 7, और इसका आंसर क्या होना चाहिए, c। सिमिलरली जब आप y फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू आई, ठीक है, समझ आ गया। आप इसे ऐसे करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है इफ़ आई एक यूनिट मैट्रिक्स है बेटा, तो जाहिर आई को हम यूनिट मैट्रिक्स से ही डिनोट करते हैं, तो बताएं 3i क्या होगा, अगर उस आई को, उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं 3 एक कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ
तो वो मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी, क्या वो यूनिट मैट्रिक्स होगी, क्या वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी या नन ऑफ दीज? स्केलर होगी। देखिए कैसे, एक मान लो आई मैट्रिक्स है ये एक 101, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो 303, और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और साथ में एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास स्केलर का ऑप्शन है, सो हमारा आंसर क्या है, सी। तो बेटा देख लो हमने जो कितनी रिवीजन की, और तुम्हें ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन नहीं आ रहे, और सबसे आसान चैप्टर हैं ये थर्ड और फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमें फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन ये है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो इसके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं और हमने वैल्यू ऑफ फाइंड करनी है ए की, तो कौन सी कंडीशन होती है जब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं? देखिए जब आपके पास ए डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो आपको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? एक, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एक्स की वैल्यू मिलती है और वाई की वैल्यू मिलती है एक एक, मैट्रिक्स मेथड को हम यूज़ करते हैं तब। लेकिन अब इसने कहा इनफाइनाइट, तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बची कि ए जो है वो का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होगा, और जब ज़ीरो होगा तो आपके पास दो कंडीशन है, ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे या आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो फिर इसने कहा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो यहाँ फिर हमारे पास कंडीशन है कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा? ज़ीरो। तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे आप फाइंड कर लें, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इसके बाद आप सॉल्व कर लें, क्या आ गया मेरे पास? हाँ जी, एक्स की वैल्यू 1, वाई कितना ए, और जेड कितना 0। और सेकेंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए। आप देखें ये 0 है तो आप एक्सपेंड कर ले पहले 1 को, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 1a01 माइनस ए, तो 0 a 1 और थर्ड आपका ऑलमोस्ट 0 है, तो क्या बन गया 1 माइनस 0 सॉरी 0 और माइनस अगेन 0 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और तो ये फिर हट गया, यहाँ पे क्या आ गया ए क्यूब 1 माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब इज इक्वल टू 1, और इसे हम अगर सॉल्व करें तो मेरे पास ए की वैल्यू रियल नंबर में 1 बनती है। और 2 हमारे पास क्या बनती है? इमेजिनरी। ये आपने 6वीं 7वीं कहीं पढ़ा था कि इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3 वैल्यू मिलती हैं, 2 इमेजिनरी वैल्यू मिलती है, 1 रियल वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? 1। तो यहाँ पे कोई डाउट है यहाँ पे? हैं, स्क्वेयर है, क्यूब है, यहाँ पे ए था ना, ए था, मैं ठीक है अब, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था? प्लस आना चाहिए था, है ना, तो यहाँ पे आ गया ए क्यू माइनस 1, ठीक है, यहाँ गड़बड़ होगी, तो ए क्यू माइनस 1, तो यहाँ पे आपको ए क्यू माइनस 1 जब आएगा तो आपको आपको क्या मिलेगा? हाँ जी, तो ए क्यू माइनस 1, तो हमारे पास जो है यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी फिर माइनस 1, और 2 आपको इमेजिनरी वैल्यू मिल जाएगी, 2 आपको इमेजिनरी और एक रियल नंबर, तो ए इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास जो है वो 35 स्क्वायर यूनिट्स हैं, तो वर्टिसेस आपको गिवन है बेटा, तो आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है,
वेरी सिंपल क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2, और जो आपको जो दिए होते हैं वर्टिसेस उसे आप लिख लेते हैं रो में, और यहाँ पे 1/1 ऐड कर देते हैं, और इज इक्वल टू क्या है? 0 35 प्लस माइनस 35। तो आप इसे सॉल्व कर लें और बताएं कितनी वैल्यू आई। आप भी करें, मैं कर देता हूँ, आप भी करो फटाफट, देखते हैं कितना स्पीड करते हो आप। तो मेरे पास आएगा -10 के प्लस 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो आप एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें, तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं प्लस लेता हूँ तो मेरे पास आएगा -10 के इज इक्वल टू प्लस और -50, -10 के इज इक्वल टू प्लस 20, के की वैल्यू -2, और एक वैल्यू आ गई। और दूसरी बार जब मैं माइनस लेता हूँ, -10 के प्लस 50 इज इक्वल टू -70, और 50 इधर आगे माइनस हो जाएंगे, तो -10 के ये -120, और के की वैल्यू मेरे पास 12। तो मेरे पास दो वैल्यू आई। तो ये थी जल्दबाजी का आंसर आपका। आपने बोला -2, लेकिन हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 2, और एक -2 और 12। तो कौन सा आंसर? डी। तो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें एक ट्रू नहीं है। क्या ट्रू नहीं है? मैट्रिक्स एडिशन इज कॉमेटेटिव। कहता है कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो कॉमेटेटिव होता है, तो ट्रू है कि फॉल्स है? कॉमेटेटिव मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे में ऐड किया, और पहली को दूसरी में ऐड की, या दूसरी को पहली में ऐड करो, तो क्या उसमें रिजल्ट में कोई फर्क आता है? तो इसलिए ये ट्रू है। और मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव, पहले दो को ऐड करो तीसरे ऐड कर लो, फिर पहले वाले दो को करो तीसरे को बाद में ऐड करो, तब भी क्या फ़र्क पड़ता कोई? नहीं। तो ये भी आपका जो है ओके है। और थर्ड है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटेटिव। कहता है कि जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लो ए और बी है, ये कह रहा है कि ये इसके इक्वल है, तो इज इट ट्रू है नॉट? फॉल्स है, क्योंकि प्रोडक्ट, जब हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तुझे ज़रूरी नहीं है कि उनका प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेशन में वो इक्वल आए, सो इट्स नॉट ए कॉमोटेटिव। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी जो है कोई दो स्क्वेयर मैट्रिक्स हैं, उनका ऑर्डर सेम है, तो बताएं कि क्या ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश होगा, या ए बी डैश इज इक्वल टू वी डैश ए डैश, मतलब डैश का मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज है। तो थर्ड है, या उनका प्रोडक्ट जीरो और डिटरमिनेंट जो ए का जीरो या बी का जीरो, सिमिलर डी में दिया है ए बी जीरो इफ़ ए आइडेंटिटी या बी आइडेंटिटी, तो कौन सा आंसर है? ट्रांसपोज। तो बी आपका आंसर है कि जब हम दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है अगर उनका ट्रांसपोज करें, तो वो किसके इक्वल होता है? कि उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, बट रिवर्सिंग ऑर्डर में। ये रॉन्ग होगा, ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, दिस विल बी, इट विल बी रॉन्ग, ये रिवर्स में होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। लेट ए बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर जो है वो 3x3 है, तो बताएं कि के मल्टीप्लाई बाई ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होगा? ए बी सी डी, कौन सा? ए। तो ये कह रहा है ए, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। अब कैसे देखो, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मान लो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1, 2, 0, 5, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब आप किसी स्क्वेलर के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका
हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करता है, मतलब ये 2, 4, 0, 10। और अब इसका हम अगर डिटरमिनेंट ले लें तो 2, 4, 0, 10, तो मेरे पास आएगा 20 सॉल्व करके। और 20 जो है, और अगर मैं यहाँ ए का डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 2a का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल है, 4 टाइम a डिटरमिनेंट। तो क्या हो गया, 2 की पावर 2। तो आपने तो 2 एक मल्टीप्लाई किया लेकिन डिटरमिनेंट में उसकी पावर कितनी बन गई, 2। कहने का मतलब है कि डिटरमिनेंट में क्या होता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटरमिनेंट में कि जब आप किसी स्केलर के साथ डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने का मीनिंग है किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को ही करेंगे, आप सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि जब हम डिटरमिनेंट में, तो ऐसे क्या हो, जब 3x3 इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 रो 3 कॉलम आ गए, तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई हो गया, एक इसमें हो गया, एक तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें से कॉमन निकला, इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, तो आपके पास क्या आएगा आंसर, सी आंसर आएगा। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था, देखो तुम लोगों को ये भी नहीं पता, तो देख लो फाइनल पेपर की तैयारी आप कैसे कर रहे हो बेटा। तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, तो बताएं ए इनवर्स क्या होगा, क्या ए की पावर -2 या ए इज इक्वल टू ए प्लस आई, आई माइनस ए या ए माइनस आई। पहले तो बताओ इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको कोई मैट्रिक्स तो गिवन नहीं है, तो उसमें तो होता है मैट्रिक्स गिवन हो तो आप क्या करते थे, आप डिटरमिनेंट निकाल के एडजॉइंट निकाल के फिर इनवर्स निकालते, यहाँ तो मैट्रिक्स आपको गिवन थोड़ी कोई, आपको जस्ट इतना बोला है कि ये एक आपके पास इक्वेशन है और आपने ए इनवर्स निकालना। पर यहाँ पे एक चीज़ बता, मैं थोड़ा अपनी तरफ से ऐड करता हूँ कि ए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसे इस इक्वेशन से हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, और हमने ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं कि जैसे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 गिवन है, यहाँ पे आप आई को यहाँ रहने देंगे और ये आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और साइन अकॉर्डिंगली रूल जो है चेंज हो जाएंगे। अब देखिए आप इसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इनवर्स को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है इनवर्स ही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मिलेगा, तो ए इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स ही मिला आपको। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर एक कम हो जाएगी और एक मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ये है तैयारी बेटा तुम्हारी, यहाँ पे ए और बी इन्वर्टिबल हैं, अभी हमने पीछे किया, पीछे क्वेश्चन आया कि ए और बी इन्वर्टिबल, आपने मुझे बताया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए जो है वो नहीं, क्वेश्चन नहीं आया पीछे, हमने ये ए आया शायद पीछे, पीछे ये आया, चलो ये आया सॉरी चलो। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ए है ये इसका इनवर्स है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी, तो कौन सा आंसर है, बी। कैसे हुआ, यहाँ पे है माइनस ए प्लस आई, हाँ जी आई माइनस, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 4 ऑप्शन हैं, 3 इसमें गलत हैं, 1 ठीक है। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो डिटर्मिनेंट है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकेंड, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन है एक किस्म की पूछ रहा है डिटर्मिनेंट की, तो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट है क्या, क्या वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या वो एक नंबर है जो किसी मैट्रिक के साथ एसोसिएट कर रहा है, या वो एक नंबर है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर रहा है, या इन तीनों में से कोई भी नहीं है। हाँ जी,
सी आंसर है। देखो ये एक मैट्रिक्स है बेटा, डिटरमिनेंट क्या है, आप इसका डिटरमिनेंट फाइन करें। 1025 कितना आ गया, 5। ये क्या है, नंबर है जो इस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा ये बिल्कुल ही दिख नहीं रहा, छोटा हो गया जी बिल्कुल। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे और इसका ऑर्डर है ये एम क्रॉस एन, तो आपने बताना है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहला ऑप्शन है कि m लेस देन n, दूसरा ऑप्शन है कि m ग्रेटर देन, c है कि दोनों इक्वल होंगे और d कह रहा है कोई भी नहीं है। तो बड़ा आंसर आसान सा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके पास रो और कॉलम सेम होते हैं, सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो बताएं कि ए बी माइनस वी ए क्या होगा। स्क्यू सिमेट्रिक है लेकिन करके देखो ना, आपने तो याद कर लिया हुआ, तो इसको हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ट्रांसपोज फाइंड करना था कोशिश, मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, बीच में माइनस का साइन है बेटा, ऊपर ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ बेटा मुस्कुराने से थोड़ी कुछ होना है। आपने बता दिया, रट्टा लगाया और आपने बता दिया और मुस्कुरा रहे हो कि मैंने तीर मार लिया है। आपको ये नहीं आता कि जब दो मैट्रिक्स हैं बीच में माइनस का साइन है, हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज का मतलब कि इसका ट्रांसपोज अलग से, माइनस एज इट इज इसका ट्रांसपोज अलग से। फिर हमारे पास आगे मेथड होता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है उनका ट्रांसपोज ले लिया तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, और हमें गिवन है ए और बी जो है वो सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये होगा कि ये बी ए माइनस ए बी, आप ऐसा ले सकते हैं, इसमें से माइनस आप कॉमन निकाल लें, तो ए बी माइनस बी ए। तो अब आप देखें यहाँ पे कि ये जो मैट्रिक्स थी शुरू में आपको वही मैट्रिक्स आ गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ माइनस है, सो इट्स ए स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा नहीं कि रट्टा मार के आपने बता दिया कि आपको क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ऑप्शन चेंज हो जाए, मान लो यहाँ ए में ऑप्शन है तो डी में ऑप्शन आएगा, तब तो क्या करोगे तुम, तुमने तो ये याद होना है कि इसका ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है, कई तो ऐसे ही याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को समझो और फिर उसके बाद जवाब दो मुझे। चलिए नेक्स्ट, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर, दो मैट्रिक्स हैं वो इन्वर्स हैं एक दूसरे के, तो कब होगा ऐसा, क्या ए बी और बी ए इक्वल होगा। चंदन आपने उससे नहीं पूछना, यहाँ पे कोई वो थोड़ा मिल रहा है, कोई आपको कोई कुछ कुछ चीज़ें आपको दी लेनी है, जैसे इनाम लेना मैंने भाग कर, आपको आता आपको आप दूसरे को पूछ के बता रहे हो। ए बी इजिकल टू बी आएगा, या ए बी इजिकल टू बी इजिकल जीरो मैट्रिक्स, या ए बी जीरो बी ए वन, या ए बी इजिकल टू वी इजिकल टू आई, आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जीरो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है, तो कौन सा बता रहे हैं, बी के डी, डी। तो हमारे पास अभी मैंने पीछे बोल भी दिया था, अगर कोई दो मैट्रिक्स उनका इन्वर्स, अगर वो इन्वर्टिबल हैं एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, या ए बी या बी ए, ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम इकट्ठा करके इसको लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ए है और उसका ट्रांसपोज माइनस ए है, तो बताएं क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या वो जीरो मैट्रिक्स है, क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी नहीं है इसमें सेकंड ऑप्शन। हाँ जी, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज ए है फिर उसका ट्रांसपोज माइनस ए है, आपके पास ऐसी मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती, कैसे हो सकती है ऐसी मैट्रिक्स है? तो हमारे पास फिर क्या है, जीरो मैट्रिक्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन 19, सॉरी, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है
और आपको गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के कुल है, तो आपने बताना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स का जो क्यूब माइनस सेवन ए है वो किसके इक्वल है। तो सिंपल मेथड यूज़ करें आप, यहाँ पे ये भी हमने किया था कि ये जो फार्मूला है हम रियल नंबर में लगाते हैं, तो सेम ये एप्लीकेबल जो है मैट्रिक्स में भी सेम वैसे ही फार्मूला लगाया जा सकता है। तो फार्मूला लगाएं और बताएं आंसर क्या है। तो a प्लस बी का क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, b आपके पास a है, तो फार्मूला लगाने तो मेरे पास हो जाएगा i का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस थ्री आई स्क्वायर a प्लस थ्री आई ए स्क्वायर माइनस सेवन ए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दें, आई क्यूब का मतलब कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तीन बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो आपके पास आइडेंटिटी। ए क्यूब को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, फिर अगेन ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए अगेन ए स्क्वायर, तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा ये ए प्लस यहाँ पे आई स्क्वायर है, अगेन आपके पास आई आ जाएगा, आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी आपको ए ही मिलेगा, आगे थ्री ए स्क्वायर अगेन ए मिल रहा है आपको माइनस सेवन ए। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे आपस में कट जाएंगे, आपके पास बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये आंसर आपके पास ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे सी है ऑप्शन, यस ये थोड़ा ना गड़बड़ हो गई है। चलिए लास्ट वन, लेट ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं है, तो आपने बताना है कि जो एडजॉइंट है ए का उसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, और जो ए है वो थ्री बाई थ्री ऑर्डर है उसका। क्या आपको कोई फार्मूला पता है, ये एक फार्मूला है हमारे पास, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका आप एडजॉइन लेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होता है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी पावर n माइनस वन, यहाँ पे n क्या है उसका ऑर्डर, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, हाँ जी थ्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है बी। ठीक है जी, तो अब आप देख लीजिए कि आपकी कितनी तैयारी है और कहाँ आपकी कमी है, तो वही इसको थोड़ा सा करें तैयार करें, अगर कहीं कमी है तो फिर से करो उसको। ठीक है।